शेयर मार्केट इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल रिस्क। शेयर मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करना बाजार जोखिमों के अधीन होता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे। और आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है कि हाउ टू आइडेंटिफाई FIDI और म्यूचुअल फंड आउट ऑफ बल्क डील्स रिपोर्ट। बल्क डील्स की रिपोर्ट में से एक FIDI या म्यूचुअल फंड को कैसे पहचान सकते हैं। मैंने जो अपना पहले एक वीडियो बनाया था जिसके वो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और काफ़ी लाइक्स आ रहे हैं, लेकिन साथ में एक मेरे को बहुत सारे कमेंट्स भी मिल रहे हैं कि ये जो बल्क डील की रिपोर्ट है उसमें से हम एक FIDI या म्यूचुअल फंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप एक नए व्यूअर हैं तो, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि ये वाला जो वीडियो है हाउ टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम स्टॉक मार्केट और हाउ टू पिक प्रॉफिटेबल ट्रेड्स और स्टॉक्स, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी ये उन व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स के लिए है जिन्होंने ये वाला वीडियो देखा है और मेरे को बहुत सारे कमेंट्स किए हैं कि एक बल्क डील की रिपोर्ट्स में से हम FIDI या म्यूचुअल फंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हालांकि ये मेरे शेड्यूल में नहीं था इस वीडियो को बनाना, बट आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आए हैं इस टॉपिक पे कि इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ सो दैट आप लोगों को थोड़ी सी और गाइडेंस मिल जाए कि इसको मैं कैसे करता हूँ, मैं आइडेंटिफाई कैसे करता हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप एक नए व्यूअर हैं तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको शायद ये समझ में नहीं आया कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, तो इसलिए आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, और जिन्होंने ये वीडियो देखा हुआ है उनको ये वाला वीडियो समझ में आ जाएगा कि मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें मैं बल्क डील में से FIDI या म्यूचुअल फंड को कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ। सबसे पहले हम ब्राउज़र में जाते हैं। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, ये जो मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ इसका डिस्क्रिप्शन मैं इस वाले वीडियो में भी दूंगा और इसकी डिस्क्रिप्शन में भी इसका मैं लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और इस वाले वीडियो के में भी एक कैप्शन डालूंगा कि इस वाले वीडियो का लिंक डालूंगा सो दैट आप इसको कनेक्ट कर पाएँ कि इस वाले वीडियो में अगर आपको वो FIDI या म्यूचुअल फंड आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस वाले वीडियो को भी देख पाएँ। तो सबसे पहले हम ब्राउज़र में जाते हैं, ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं बल्क डील्स की रिपोर्ट को। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं बल्क डील्स में से कैसे FI म्यूचुअल फंड या DI को आइडेंटिफाई करता हूं। ये देखिए यहां पे आज, क्योंकि आज 30th November है और अभी 11 बजे का आसपास टाइम हो रहा, तो आज जो रिपोर्ट निकलेगी वो 29 November की रिपोर्ट आएगी, 29 November की रिपोर्ट आ गई है। अब इसमें से हम देखेंगे कि कोई FIDI या म्यूचुअल फंड है जो हमें आज के लिए कोई ट्रेड दे पाता। अब इसको अगर मैं देख रहा हूँ इस रिपोर्ट को, तो मैं कैसे इसमें FIDI या म्यूचुअल फंड को सर्च करता हूँ। देखिए ये पहला नाम जो है वो है मिलेनियम स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि ये एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है, जिसको मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बोला था कि ऐसी फर्म्स को हम इग्नोर करेंगे। देखिए इसने बाय सेलिंग की हुई है, तो हम इसको, ये इंट्राडे ट्रेड है, इसको हम इग्नोर कर देंगे। इसी तरीके से ये देखिए BP फिन ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड है, ये भी कोई छोटी सी मतलब स्मॉल ब्रोकिंग फर्म है जिसने ये देखिए बाय सेलिंग की हुई है। अब ये जो मैं ये नेम से ही आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, पता नहीं कैसे मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, बट मैं नेम से ही पता कर लेता हूँ कि ये इस ट्रेड को मेरे को इग्नोर करना है। तो ये देखिए ये चेतन राशिकाल शाह, ये कोई इंडिविजुअल है, इन्होंने भी देखिए बाय सेल किया हुआ है, इसको भी हम इग्नोर करेंगे। JMP सिक्योरिटीज, ये नाम से ही पता लग रहा है सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड है, ये एक ब्रोकिंग फर्म है इंडिया की, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। अगर आपको किसी नेम से कंफ्यूजन हो रही है कि वो कहाँ की फर्म है, उसका एड्रेस क्या है, तो आप जस्ट इस नेम को कॉपी करें और गूगल में सर्च मारें, तो अगर ये कंपनी लिस्टेड हो गई, इसकी कोई वेबसाइट होगी, तो आपको इसका एड्रेस पता लग जाएगा कि वो इंडिया की कंपनी है या बाहर की कंपनी है। तो ये अगेन जो पूरी रिपोर्ट है इसमें कोई भी, मैं पूरी रिपोर्ट को स्टडी कर चुका हूँ कल ही, तो इसमें कोई भी एक ऐसी FI या DI नहीं है जो मैं आपको बता पाऊँ। देखिए सारे ही जो है या तो इंडिविजुअल हैं, ये फिर से BP फिन ट्रेड है, ये विजय ट्रेडिंग है, ये भी नाम से ही पता लग जाता है कि ये विजय ट्रेडिंग, ये इंडिया की फर्म है। BP कॉम ट्रेड, ये भी इंडिया की फर्म है। अजय एसेट, नेम से ही पता है कि अजय एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ब्रोकिंग फर्म है, बाय सेल किया हुआ है इसने, तो ये सारे ट्रेड हमने इग्नोर करने हैं।
अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जब वीडियो पोस्ट किया था, ये वाला, ये वीडियो मैंने 26 अक्टूबर को पोस्ट किया था, 26 अक्टूबर 2016 को पोस्ट किया था। उस डेट से लेके कल तक जो भी बल्क डील्स हुई हैं, मैं उसकी एक रिपोर्ट लेके आपको उसमें से ट्रेड पिक्स करके दिखाता हूँ कि मैंने ट्रेड्स कैसे पिक किए थे, या आप उसमें से अगर ट्रेड पिक करते तो कैसे कर सकते थे, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो मैंने एक फाइल जो है ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके अपने ब्लॉग में भी कल दी थी, अगर आप लोगों ने किसी ने चेक किया हो, ये वो शीट है जो मैंने कल अपने ब्लॉग में भी डाली है, जो ट्रेड उस वाले वीडियो से लेके कल तक हुए थे। अब मैं आपको इसकी सॉर्टिंग करके दिखाता हूँ। पहले हम इसको डाउनलोड करेंगे, हम बल्क डील की वाली रिपोर्ट में जाएंगे, यहाँ पे हम डेट डालेंगे, हम डेट डालेंगे, मैंने 26 अक्टूबर को वीडियो पोस्ट किया था, 27 अक्टूबर से वीडियो लेंगे और इसको कल तक की डेट के लिए डाटा ले लेंगे। देखिए ये हमारे पास बल्क डील की रिपोर्ट आ गई है। ये काम आपने डेली नहीं करना है, बट आप कर सकते हैं, जब तक आप नॉलेज लेना चाहते हैं आप इसको हिस्टोरिकल डाटा डाउनलोड करें, उसमें से पिक्स आइडेंटिफाई करें, फिर हिस्टोरिकल पीछे निफ्टी में जाके आप चेक करें कि अगले दिन वो ट्रेड कैसा ओपन हुआ था, कब उसने हाई लगा, आप अपनी मतलब नॉलेज एनहांस कर सकते हैं। बट ये काम आप डेली बेसिस पे नहीं करना है, आपने तो सिर्फ उसी दिन का डाटा लेना है जिस दिन की बल्क रिपोर्ट आएगी, और उसी में से पिक चूज करनी है, और अगले दिन अगर आपको ट्रेड मिलता है तो आपने अप्लाई करना है, अगर अदरवाइज छोड़ देना है। तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, ये हमारी एक्सेल शीट डाउनलोड हो गई है, ये देखिए ये वो एक्सेल शीट है, ये हमने डाउनलोड कर लिया। अब मैं इसमें से आपको सॉर्टिंग करके दिखाता हूँ कि मैं अपनी जो पिक्स निकालता हूँ, या मैं बल्क डील्स में से FIDI या म्यूचुअल फंड को कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये मेरा ही कुछ रूल है जो वैसे तो मुझे, मैं अगर नाम चेक करता हूँ किसी भी कंपनी का तो मैं वहीं से पता लगा लेता हूँ कि वो एक FI है, DI है या म्यूचुअल फंड है। बट आपको समझाने के लिए मैं कुछ सॉर्टिंग करके दिखाता हूँ कि मैं इसको कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ, कैसे मैं इस लिस्ट को सॉर्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको फिल्ट्रेशन कर लेते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको, अगर आपको याद हो मेरे इस वाले वीडियो में जो मैंने आपको बताया था, ये वाला वीडियो, आप प्लीज़ मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप न्यू व्यूवर हैं तो आप इस वीडियो को देखें, फिर ही उसके बाद जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ उसको देखें। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमने FIDI या म्यूचुअल फंड का डाटा लेना, वो सिर्फ बाय साइड वाले लेना है इग्नोर, और जो सेल साइड वाला होगा उसको हम इग्नोर करेंगे। इसलिए ये जो मैंने फिल्ट्रेशन की है, इसमें से हम सिर्फ जो बाय वाले है वो रख लेंगे, बाकी सेल वाले जितने भी डाटा होगा वो हम डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास जो डाटा बच गया है ये सिर्फ बाय साइड वाला बच गया है। अब इसमें से हम अपनी सॉर्टिंग करेंगे, जो हमारे इंडिविजुअल या कोई स्मॉल ब्रोकिंग फर्म है उनको हम इग्नोर करेंगे, उनको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, और जो सिर्फ हमारे FIDI या म्यूचुअल फंड है वही इसमें बच जाएंगे। आपको ये बता दूं, जो DI FI जो होते हैं उसका मतलब ये होता है कि जो हमारे इस आउट ऑफ द कंट्री जो लिस्टेड होते हैं, किसी भी कंट्री में, जैसे हमारा इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं, तो जो भी ट्रेडर या इन्वेस्टर इंडिया से बाहर लिस्टेड होगा और वो इंडिया में ट्रेड कर रहा है, उसको फॉरेन FI की कैटेगरी में डाला जाता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोला जाता है। और DI कौन होते हैं, जो और सेम एक्सचेंज में, मतलब उसी कंट्री के ट्रेड्स में, उसी कंट्री के स्टॉक्स में डील करते हैं, ट्रेड करते हैं, और वो लिस्टेड भी उसी कंट्री में होते हैं, तो उनको डोमेस्टिक ट्रेडर बोला या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया के बात करें तो NSE और BSE में जो भी ट्रेड करते हैं, और वो जो ट्रेडर या इन्वेस्टर ट्रेड करते हैं, अगर वो इंडिया में ही लिस्टेड हैं, वो इंडिया के ही रहने वाले हैं, तो उनको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की कैटेगरी में डाला जाता है, राइट। तो अब हम इसको सॉर्टिंग करते हैं। देखिए ये पहला कोई नेहा प्रकाश चावला जी है, फिर आगे कोई इंडिविजुअल है, फिर आगे कोई इंडिविजुअल है, इनको हम डिलीट करते जाएंगे और जो हमारी लिस्ट बच जाएगी वो सिर्फ FIDI या म्यूचुअल फंड वाली बच जाएगी। तो ये देखिए ये जो भी मैं जहाँ तक हाईलाइट कर रहा हूँ ये सब मैं डिलीट करने वाला हूँ, ये मैंने डिलीट कर दिया है, इसमें से कोई भी नहीं था। ये देखिए पार्थ इन्फी ब्रोकर है, ये कोई, ये भी स्मॉल ब्रोकिंग फर्म है, BP फिन ट्रेड, ये भी इंडिविजुअल है कोई, तो ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट, ये भी डिलीट।
ये भी देखिए, कोई ट्रेडर्स रक्षक यूके दोषी, ये भी कोई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जीएनडी एनके सिक्योरिटीज, शास्त्रा सिक्योरिटीज, मिलेनियम स्टॉक, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी विरल, ये इंडिविजुअल है, ये कोई स्मॉल फर्म है, ये भी स्मॉल फर्म है कोई, और ये सारे हम डिलीट करेंगे। ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, मैं आपको इसमें से कोई एक दिखा देता हूँ जो कोई एक आपको पिक करके दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, ये है बीएनपी परिवास आर्बिट्रेज। अगर आपको पता हो कि बीएनपी वर्ल्ड का एक काफ़ी बड़ा बैंक है, तो ये एफआई की कैटेगरी में आता है। और अगर आपको इसको चेक भी करना है, तो आप इसको क्या कीजिए, सिंपली कॉपी कीजिए, इसको आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जो मैंने एक लिंक दिया था, ये सेबी का लिंक है, देखिए sebi.gov.in/FII। आप अगर चाहें तो ये लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से चेक कर सकते हैं आप। सिंपली यहाँ जो ये सर्च बार दी हुई है, इसमें कॉपी पेस्ट करके डालें और इसको सर्च करें। देखिए ये इनका एड्रेस आ गया है, देखिए ये कंट्री नेम फ्रांस है, एड्रेस देखिए एड्रेस पेरिस का आ रहा है, तो ये आपको पता लग गया कि इंडिया की बाहर की फर्म है ये, और ये एक एफआई है। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, ये लिंक भी मैं आपको दे दूंगा ये डिस्क्रिप्शन में। आप यहाँ पे भी अगर किसी नेम के बारे में कन्फ्यूजन है, आप उस नेम को यहाँ पे डालें, वो अगर वो एफआई होगा तो वो यहाँ पे शो कर देगा, अदरवाइज वो यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो ये हम अपनी शीट पे चले जाते हैं, तो ये देखिए ये एक ट्रेड है, ये अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ, ये एक बल्क डील का ट्रेड है। और ये किस कंपनी में हुआ था, सीट में हुआ था, कब हुआ था, 3 नवंबर को हुआ था, और किसने किया था, बीएनपी परिवास ने किया था, राइट। ये एक ट्रेड है, ये मैंने इमीडिएटली फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि मैं इसको करता रहता हूँ और मैं तो इमीडिएटली फाइंड आउट कर देता हूँ, इसलिए मैंने आपको एक झट से बता दिया। अब ये जो बाकी की शीट है वो मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ वो 13 या 14 स्टॉक कैसे निकलेंगे, जो मैंने उस अपने ब्लॉग में भी दिए हैं। इसको सभी को डिलीट कर देते हैं, एक एक ट्रेड हमें मिल गया है, और उसके बाद हम बाकी देखते हैं। एनके सिक्योरिटीज नहीं चाहिए, प्राग ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए। हाँ देखिए ये अब अपनी किस्मत अच्छी है, देखिए ये देखो, ये हमें ऊपर हमें एफआई मिला, और नीचे देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैंने आपको अपने किसी कमेंट में भी बोला था कि जितने भी हमारे इंडिया के बैंक्स हैं, बड़े बैंक्स हैं, या जितनी भी हमारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं, वो सभी डीआई की कैटेगरी में आती हैं, यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ट्रेड लिया था एलएनटी में 4 नवंबर को करीब, ये देखिए 56 लाख, 56.5 लाख शेयर खरीदे हैं, और इस रेट पे खरीदे, तो ये भी हमारे लिए एक बल्क डील की कैटेगरी में अगले दिन के लिए बाय सिग्नल है, तो इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। बाद में मैं इनकी परफॉर्मेंस भी बताऊंगा आपको, जो मैंने शीट बना रखी है, ये देखिए ये मैंने शीट ऑलरेडी शॉर्टिंग करके बना रखी है, बट मैं आपके लिए शीट बना रहा हूँ कि ये कैसे ये वाले ट्रेड निकलेंगे। तो यहाँ से पहले वो ट्रेड हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये जो सी डी फिनवेस्ट हमें नहीं चाहिए, फिनली स्प्राइड नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, डिलीट डिलीट, ये देखिए ये यहाँ तक डिलीट हो गया। और ये देखिए ये नेम है नोमूरा एसेट मैनेजमेंट सिंगापुर लिमिटेड। अब यहाँ पे देखिए वर्ड सिंगापुर है, मैंने किसी कमेंट में अपने मेंशन किया था कल के, जिस भी कंपनी के नाम के साथ सिंगापुर, जापान, दुबई या मॉरिशस लगा हो, तो वो एफआई की कैटेगरी में आएगा। तो अगर आप इसको चेक करना चाहें, तो आप इसको भी उसी लिंक में जाके चेक कर सकते हैं। सिंपली आप वहां पे टाइप कीजिए नोमूरा, इसको अगर आप टाइप करेंगे, क्योंकि ये जो नेम है ये बहुत बड़ा है, इसमें आगे पीछे कुछ हो सकता है, इसको अगर पूरा नाम आप डाल देंगे तो वहां पे वो नो रिकॉर्ड दिखा देगा, लेकिन अगर आप पहला नाम नोमूरा डाल देंगे, नोमूरा का बहुत बड़ी एफआई है, तो वो उसका देखिए कितने सारे एड्रेसेस हैं, ये ताइवान में भी लिस्टेड है, जर्मनी में भी इसकी ब्रांच है, और डब्लिन में भी है, ये देखिए कितने सारे इसके आपको इसकी एड्रेसेस दिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जापान में भी है और हांगकांग में भी है, ये बहुत सी जगह भी, सिंगापुर में भी है, तो ये सारी जो है आपको यहाँ से पता लग जाएगा। ये वाला लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, तो ये एफआई की कैटेगरी में आएगा। हम फिर से उसी शीट में आते हैं, ये हमारा थर्ड ट्रेड मिल गया है हमें, ठीक है। और फिर ये पटेल मानव नरेश भाई जी हैं, इनको हम इग्नोर करेंगे, इग्नोर इग्नोर,
अगर आपको समझ में आ रहा हो कि मैं जो यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ वो देखिए सभी नाम जो है इंडियन नेम है, तो ये इंडिविजुअल हैं या स्मॉल ब्रोकिंग फर्म्स हैं जिनके नाम से पता लग जाता है, तो मैं उनको सभी को डिलीट कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये जो है वेलिएंट, यहाँ पे देखिए मॉरिशियस वर्ड साथ में लगा हुआ है, तो ये जो मॉरिशियस वर्ड साथ में लगा हुआ है तो इसका मतलब ये एक FI है, इसको आप चेक कर सकते हैं, इसको कॉपी कीजिए फिर से, ये सैम्पल बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए और इसको सर्च कीजिए। देखिए ये यहाँ पे कंट्री नेम बता रहा है मॉरिशियस, फर्म का नाम आ गया है ऊपर जो हमने अभी सर्च किया है, और ये यहाँ पे उसका कंट्री नेम बता रहा है, इसका मतलब ये FI की कैटेगरी में आता है। तो ये हमें एक और ट्रेड मिल गया है, इसने सेम डे में 8 नवंबर को दो ट्रेड लिए हैं, ये दोनों इसकी अलग अलग कंपनीज है लेकिन नाम सेम ही है, थोड़ा सा नाम अलग है उसका, एक में उसने करीब 3.5 लाख शेयर लिए, एक में 5 लाख से कुछ ज़्यादा शेयर लिए, ट्रेड प्राइस दोनों का सेम ही है, तो ये दोनों एक ही ट्रेड है हमारे लिए, शेयर भी कॉमन है, देखिए शेयर भी कॉमन है और फर्म भी कॉमन है, तो एक ही ट्रेड है हमारे लिए ये, तो इसको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, बाकी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए अब ये एक आया है मॉन्ड्रियन एमर्जिंग मार्केट स्मॉल कैप इक्विटी फंड, अब ये स्मॉल कैप इक्विटी फंड है, इस तरीके की जो लैंग्वेज यूज होती है वो म्यूचुअल फंड के लिए यूज होती है नॉर्मली, तो अगर हम इसको भी वहां पे सर्च करें, आप सिर्फ पहला वर्ड लें क्योंकि अगर आप पूरा नाम डालेंगे तो ये शायद उसमें ना मिले आपको, हमें तो ये चेक करना है कि जो ये फर्म है ये FI है या नहीं है, सर्च करें, देखिए ये आ गया ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है दोस्तों ये ग्रेट ब्रिटेन आ गया है, तो ये FI है, तो और सॉर्टिंग कर लेते हैं, मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है क्योंकि मैं आपको एक एक सॉर्टिंग करके दिखा रहा हूँ, अगर मैं इसको झट से करूँ तो मैं तो जल्दी से कर दूंगा, आपके लिए सिर्फ सॉर्टिंग करने के लिए ये वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है। ये अब इसको भी डिलीट करेंगे, सेठ ब्रदर्स, अनुभव, पार्थिव, जितेंद्र शाह, पटेल भाई जी, और ये देखिए यहाँ तक मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो मेरिल लिंच है, सिटी ग्रुप है, मॉर्गन स्टैनले है, गोल्डमैन सैक्स है, ये बहुत बड़ी FI है, इसको सर आपको इस वाले लिंक में जाके देखने की भी जरूरत नहीं है, इनके नाम से ही पता है कि बहुत बड़ी FI है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, अगर आपको चेक करना आप चेक कर सकते हैं उस वाले लिंक में, तो इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, ये हमारे लिए एक बाय ट्रेड है। अब देखिए ये जैसे मैं बता रहा था कि मेरिल लिंच होगा, गोल्डमैन सैक्स होगा, क्रेडिट स्विस होगी, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये कि बहुत बड़ी FIs हैं, तो इसको जाके सर्च करने की जरूरत नहीं, ये आपके मतलब माइंड में ही होना चाहिए कि बहुत बड़ी मतलब FI है, इसके साथ देखिए सिंगापुर भी लगा हुआ है वर्ड, तो ये FI की कैटेगरी में आएगा, इन्होंने ट्रेड लिया था वक्रांगी में, इनकी बाद में हम परफॉर्मेंस चेक करेंगे। ये जो मैं अभी आपके लिए सॉर्टिंग कर रहा हूँ लिस्ट, ये कोई आज 30 नवंबर है, आज के लिए इसमें से कोई ट्रेड नहीं निकलेगा क्योंकि इनमें से कुछ ट्रेड तो ऑलरेडी प्रॉफिट दे चुके हैं या कुछ अभी जिन्होंने कुछ ट्रेड ऐसे होंगे जिन्होंने अभी प्रॉफिट नहीं लिया है, ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए मैं लिस्ट बना रहा हूँ कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि हम FIDI या म्यूचुअल फंड को कैसे आइडेंटिफाई करें, मैं वो आइडेंटिफाई करके दिखा रहा हूँ, लेकिन ये 30 नवंबर, आज 30 नवंबर है, आज के लिए इनमें से कोई ट्रेड नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ आज आज की डेट में इनमें से कोई भी ट्रेड नहीं निकलेगा, अगर आप लेंगे तो वो आप अपने मतलब अपने रिस्क पे लेंगे वो ट्रेड, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ट्रेड जो हैं वो ऑलरेडी प्रॉफिट दे चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो अभी प्रॉफिट जिनमें नहीं आया है। ये देखिए ये है मैनुलाइफ ग्रोवर फंड एशियन स्मॉल कैप इक्विटी फंड, तो ये भी एक म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आ सकता है, तो आप इसको ले सकते हैं, इसको आप हाईलाइट कीजिए, ये शास्त्रा सिक्योरिटी ट्रेडिंग, ये स्मॉल ब्रोकिंग फर्म है, आगे सृजीवानी स्मॉल इंडिविजुअल हैं, इनको आप इग्नोर कीजिए, ऑप्टिमम स्टॉक ट्रेडिंग इग्नोर 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 कीजिए, यहाँ तक आप इग्नोर कर दीजिए। अब ये देखिए सॉरी फ्रेंड्स एक फोन आ रहा है, फोन ले लूँ, ये देखिए ये मैथ्यूज एशियन ग्रोथ एशियन इनकम फंड है, ये भी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आएगा, इसको भी आप हाईलाइट कीजिए, ये भी हमारे लिए एक बल्क डील में से ट्रेड निकलेगा। ये टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड छोड़ दीजिए, एंटरप्राइज प्राइवेट छोड़ दीजिए, इंडिविजुअल छोड़ दीजिए, ये भी नहीं चाहिए नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए, ये हमें नहीं चाहिए, इनको हम डिलीट कर देते हैं।
अब ये वीडियो भी बहुत लंबा होता जा रहा है, 20 मिनट का तो ऑलरेडी हो चुका है भाई। ये भी हम इग्नोर करते हैं, इग्नोर 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 कर दीजिए। ये जो मैं इग्नोर कर रहा हूँ ये सिर्फ नेम देख के ही इग्नोर कर जा रहा हूँ, आप भी थोड़ा देख लीजिएगा कि इंडियन नेम है और साथ में स्मॉल ब्रोकिंग फर्म का कुछ लिखा हुआ है, तो हम उसको इग्नोर करेंगे। राजीव बड़ोरा जी हैं, इग्नोर SM, ये सिटी ग्रुप आ गए हैं, इनको हम ले लेंगे। मैंने जैसे पहले बताया था, सिटी ग्रुप हो गई, क्रेडिट स्विस हो गई, मेरिल लिंच, गोल्डमैन सैक्स, ये जो है मॉर्गन स्टैनली, बहुत बढ़िया पैसे हैं, तो इनको आप इग्नोर ना करें। इनको तो आपको टिप्स पे होना चाहिए इनका नाम तो। ये पटेल मानव नरेश जी भाई हैं, इनको इग्नोर करेंगे। अब देखिए इसके बाद ही जो नेक्स्ट नेम आ रहा है, स्विस फाइनेंस कॉरपोरेशन मॉरिशस लिमिटेड, तो ये एक FI है, इसको भी हम लेंगे। इसको इग्नोर करेंगे, इग्नोर 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 इग्नोर, यहाँ तक नहीं, इसको भी इग्नोर 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 करेंगे, इग्नोर करेंगे, छोड़ दीजिए, डिलीट कर दीजिए इतना डाटा। BP फिनट्रेड इग्नोर, JVM ग्लोबल इक्विटीज, देखिए साथ में इक्विटीज प्राइवेट लिमिटेड लगा हुआ है, सिक्योरिटीज लगा हुआ है, तो ये स्मॉल ब्रोकिंग फर्म्स हैं, इनको आप छोड़ देंगे। इनमें बहुत सी बड़ी ब्रोकिंग फर्म्स भी हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल हो गए, अगर ये ट्रेड ले तो वो आप कंसिडर कर सकते हैं, तो ये आप छोड़ दीजिए। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी छोड़ दीजिए, BP कॉम ट्रेड, BG ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, ये भी ये भी। ये देखिए हमारी लिस्ट अब ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है, ये मैंने डिलीट कर दिया है डाटा, तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। ये हमें कुछ 12 ट्रेड मिले हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें 12 ट्रेड्स मिल गए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो मैंने आपके सामने अभी वर्किंग की है, सॉर्टिंग की है, कुछ भी इसमें एडिट नहीं किया, वीडियो ऑलमोस्ट 20 मिनट से ऊपर हो चुका है और इसको मैंने आपके सामने सॉर्टिंग किया है, तो आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि ये 12 ट्रेड मैंने कैसे ढूंढे थे। लेकिन ये 12 ट्रेड तो हिस्टोरिकल हैं, इसलिए ढूंढने में टाइम लगा। आप तो जब जिस दिन ये रिपोर्ट आएगी आपने तो उसी दिन उसको चेक करना है, तो वो जो ट्रेड होगा इतना लंबा आपको टाइम नहीं लगेगा, वो एक या दो ही होंगे जो आप नेक्स्ट डे के लिए अपनी ट्रेडिंग के लिए ले सकते हैं, कि उसको आपने बाय करना है या सेल तो नहीं करना, सॉरी सेल तो आप इग्नोर करेंगे, तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपको बाय करना है या मतलब इग्नोर करना है, अगले दिन कोई ट्रेड ही नहीं लेना, ये चीज़ मैं आपको बोलना चाह रहा था। तो अब इसमें से एक दो ट्रेड या कुछ ट्रेड हम सिंपल बेसिस पे चेक कर लेते हैं, कि अगर आपने ये ट्रेड लिए होते या उस दिन अगले दिन आपने चेक भी किया होता तो ये कैसे परफॉर्म करते हैं। पहले हम ये जो CAT है इसको चेक कर लेते हैं, जिसमें BNP परिवास आर्बिट्रेज ने ट्रेड लिया था, 2,24,000 शेयर बाई किए थे, 1,228 पे बाई किए थे, और हम इसको चेक कर लेते हैं। CAT को कॉपी कर लिया, NSE की वेबसाइट में गए, NSE की वेबसाइट में जाके यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे। ये अभी 1,265 पे ट्रेड, ये शेयर जो है अभी करंट लाइव ट्रेड चल रहा है, ये देखिए आज की डेट है और आज की अभी टाइमिंग है, ये करंट मतलब अभी लाइव चल रहा है, तो ये 1,265 पे चल रहा है, जो हमने अभी ट्रेड देखा ये वाला, ये 1,228 पे बाइंग हुई थी 3 नवंबर को, बट हम ये चेक करेंगे कि अगर अब ये 4 नवंबर को कब कितने पे ओपन हुआ था, उसके बाद इसने कितना हाई लगाया है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हिस्टोरिकल आपको लिंक दिख रहा है हिस्टोरिकल डाटा का, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ये ट्रेड हुआ था 3 नवंबर को, तो यहाँ से आप ये जो है यहाँ पे 2 कॉलम्स आपको मिलेंगे, आप यहाँ से हिस्टोरिकल डाटा भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपको ये कॉलम मिल रहा है, ये जो लिंक है, यहाँ पे आपको 3 महीने तक का डाटा हिस्टोरिकल मिलेगा। अगर आपने 3 महीने से बाद का और लंबे पीरियड का डाटा देखना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आपको पिछले सालों का डाटा दिखा देगा, 2012, 2013, 2011, जिस भी ईयर का आपने डाटा देखना है, या 2016 के जनवरी से या 3 महीने के बाद का डाटा देखना है, वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, वहां से दिखा देगा। पर हम यहाँ पे अभी 1 महीना पुराना डाटा देखते हैं, क्योंकि हमने ये जो ट्रेड हुआ था ये 3 तारीख को हुआ था, हमने वही ट्रेड चेक करना है। तो ये देखिए ये 3 तारीख को ये वाला है, यहाँ पे जो बाइंग हुई थी वो 1,228 पे हुई थी, इस वाली डेट में जो बाइंग हुई थी 1,228 पे हुई थी, और अगले दिन हमने यहाँ से चेक करना है कि हमने अगले दिन अगर हम बाय करते हम किस रेट पे बाय करते, ये अगले दिन ओपन हुआ था, देखिए ये ओपन वाला कॉलम है, ये ओपन प्राइस वाला कॉलम है, ये ओपन हुआ था 1,243 पे, इस दिन इसने हाई लगाया 1,240 का, और ये क्लोज हुआ था 1,200 पे, यानी इस दिन तो हमें इसने प्रॉफिट नहीं दिया, सेम डे प्रॉफिट नहीं दिया। बट इसके बाद अगर आप देखें
7 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर और 10 नवंबर। 10 नवंबर को इसने हाई लगाया 1370 का। इससे पहले भी ये हमने 1243 पे बाय किया था, तो ये देखिए 8 नवंबर को ये 1316 पे चला गया था और 9 नवंबर को 1342 पे गया था और 10 नवंबर को ये 1370 पे गया था। अब जिस भी इसके बीच में जब भी हमें 5% का हमारा प्रॉफिट आया होगा हम उसमें एग्जिट कर जाएंगे। तो पहले हम ये 1316 डाल लेते हैं, यहीं पे शायद हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। यानी इसने जो हमने बाय किया था ये 4 नवंबर को 1243 पे, उसके बाद जो इसने हाई लगाया है इस वाले रेट से ऊपर जो हाई लगाया वो लगाया है 1316 8 नवंबर को। ये चेक कर लेते हैं ये हमें मिल जाएगा प्रॉफिट या नहीं मिल जाएगा। मैं सीधी कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। अब 1316 का इसने हाई लगाया था और हमारा बाय प्राइस था 1243, ठीक है। ये 73 का डिफरेंस आ गया, इसको डिवाइड कर देते हैं, हमारी बाय प्राइस थी 1243, एंटर कर देते हैं। देखिए 5.8 आ गया है इसको, यानी इसने हमें 5.87 का हमें प्रॉफिट मिल गया। कब मिला? 8 तारीख को, यानी 3 दिन के बाद हमें हमारा प्रॉफिट मिल गया, राइट दोस्तों। तो यानी ये ट्रेड जो है हमारा ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुका है या प्रॉफिट दे चुका है, तो इसमें अब ट्रेड नहीं बनता है। क्योंकि ये हिस्टोरिकल में बता रहा हूँ, इसमें वैसे भी ट्रेड नहीं बनता क्योंकि ये हमारा ट्रेड प्रॉफिट दे चुका है। इसी तरीके से ये अगली एग्जाम्पल देख लेते हैं, एलएनटी, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक की थी। ये कल मैंने चेक किया था, ये अभी तक प्रॉफिट में नहीं आया था। आज देख लेते हैं आज कहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। एनएससी चेक कर लेते हैं, एलटी लार्सन टूब्रो आ गया, इसको एंटर करेंगे हिस्टोरिकल डेटा में। अभी देखिए ये 1384 पे ट्रेड हो रहा है और ये जो बाइंग हुई थी ये करीब 1400 से ऊपर की बाइंग थी। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये देखिए ट्रेड हुआ था 4 नवंबर को, एलटी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बाइंग की थी। 56.5 लाख शेयर बाय किए थे और 1415 रुपये पे बाय किए थे। अगर इस कंपनी ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसमें कोई बाइंग की है 56.5 लाख की, यानी 500 करोड़ के आसपास की, अगर इसमें बाइंग की है तो कुछ सोच के ही बाइंग की होगी कि इसमें कुछ ना कुछ तो उसने देखा ही होगा, इसलिए उसने इतनी बड़ी बाइंग की है। तो अगर ये आज प्रॉफिट में नहीं आ रहा, कल या परसों या 1 महीने बाद तो प्रॉफिट देगा ही देगा। तो इसको हम हिस्टोरिकल डाटा में चेक कर लेते हैं। ये ट्रेड हुआ था 4 नवंबर को, अगला ट्रेडिंग डे था 7 नवंबर, 7 नवंबर को ये ओपन हुआ था 1425 पे, और उसके बाद इस सेम डे इसने कुछ 6 रुपये का हाई लगाया था। ये इसमें तो हमें कोई प्रॉफिट आया नहीं होगा इस डेट में। तो ये देखिए ये 1295 का इसके बाद लो भी लगा है। ये क्यों लगा था? क्योंकि वो हमारे जो करेंसी बैन हो गई थी 8 नवंबर की मिडनाइट को, उसके बाद से सभी बैंक्स में इफेक्ट आया था। तो सभी बैंक्स क्या, सभी शेयर्स में इफेक्ट आया था, और यूएस के इलेक्शन का रिजल्ट भी 9 नवंबर को ही था। तो आपको याद होगा कि उस डेट 9 नवंबर को सभी शेयर जो थे 10-10% से ज़्यादा गिरे थे, तो उसी का इफेक्ट इसमें भी आया था। अब जो शेयर 10-10% गिरे थे उसको वापस रिकवरी आने में तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। ये देखिए ये यहाँ से के बाद, इसके बाद ये सेम डे मतलब नेक्स्ट डे में ये 1400 फिर आ गया था और ये अभी रिकवरी मोड में है, तो अभी ये प्रॉफिट में नहीं आया। ऐसा नहीं है कि जो बल्क लिमिट ट्रेड मिलते हैं वो इमीडिएटली प्रॉफिट देते हैं, कुछ सेम डे प्रॉफिट देते हैं, कुछ कुछ में टाइम लगता है। ये अब बाकी के शेयर मैं एक एक करके आपको चेक कराने के बजाय आपको एक्सेल शीट दिखा देता हूँ जो मैंने कल बनाई थी, इसी बल्क शीट के ऊपर जो मैंने ऑलरेडी अपडेट की हुई है। ये देखिए ये वो बल्क शीट है, हमने ये वाला ट्रेड तो अभी अभी चेक किया है जिसने 10.7 का जो रिटर्न दिया था। इसके बाद देखिए बीबीएल है, जिसमें इस वाले जो कोई म्यूचुअल फंड की टाइप का जो इन्वेस्टर है उन्होंने जो इसमें ट्रेड लिया था, इतने लाख शेयर बाय किए थे, इस रेट पे बाय किए थे। अगले दिन 393 पे ओपन हुआ था, 450 पे इसने हाई लगाया था और 14.5% का इसने रिटर्न दिया था। तो बेसिकली मेरा जो पर्पस था इस वीडियो को बनाने का वो यही था कि आप ये जो है, ये आपने बहुत सारे कमेंट्स में, बहुत सारे व्यूवर्स ने ये पूछा था कि ये FIDI हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो ये करीब करीब 30 मिनट से ज़्यादा का वीडियो बन चुका है और इसमें मैंने आपको एक एक चीज़, मतलब मैंने ये 12 शेयर जो है, 12 ट्रेड जो है आइडेंटिफाई करके आपके सामने दिखाए हैं कि इसको मैं कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ और इसी तरीके से आप भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसको करने का एक तो ये तरीका है कि जो मैंने अभी आपको ये 30 मिनट का वीडियो बना दिया आपके सामने, ये जो 12 शेयर ढूंढने के लिए 30 मिनट का वीडियो बनाया, एक तो आप इस तरीके से खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा एक ऑप्शन आपको ये भी है कि
अगर आपको किसी नेम के बारे में कंफ्यूजन है तो आप इस यहाँ से उस नेम को कॉपी करें, गूगल में सर्च मारें, वहाँ से अगर उसकी कोई वेबसाइट है या कहीं से उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है तो आपको वहाँ से उसका एड्रेस पता लग जाएगा कि वो इंडिया में लिस्टेड है या बाहर की कंपनी है। थर्ड, इससे भी इजी एक मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ स्टार्टिंग के लिए, बाद में तो आप खुद जब इसको आइडेंटिफाई करने लग जाएंगे तो आप खुद ही ये पिक्स निकाल पाएंगे। बहुत ही इजी तरीका आपको बता देता हूँ कि ये जो मैंने अभी आपके सामने ये निकाली है लिस्ट, इसको तो मैं 5 मिनट में निकाल देता हूँ, बट आपको दिखाने के लिए मैंने ये कुछ 30 मिनट का टाइम लगा दिया। ये मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ, मैं डेली डेली बेसिस पे जब भी इसमें बल्क डील होगी मैं यहाँ से वो जो एक या दो पिक्स होंगी जो भी मेरे हिसाब से वो कल के लिए बाय ट्रेड बनेगा उनको मैं यहाँ से उठाऊंगा। ये पूरा डाटा यहाँ से ऐसे करके इतना डाटा मैं यहाँ से लेके यहाँ तक उठा दूंगा, सिर्फ वही डाटा जो FIDI का होगा, सारा ही लिस्ट नहीं दूंगा उसमें, FIDI का जो डाटा होगा एक या दो जो भी उसमें ट्रेड होगा वो यहाँ से उठाऊंगा और मैंने जो अपना ब्लॉग कल दिखाया था वहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा, और वो मैं डेली अपडेट करूंगा। जब भी वो बल्क डील होगी मैं वहाँ पे डेली अपडेट कर दिया करूंगा। आप उस लिंक में जाके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर कोई बल्क डील थी तो कल के लिए हमें ट्रेड मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आप कुछ दिनों के लिए वहां से चेक कर सकते हैं। मैं तो डेली डाल दिया करूंगा उसमें, आप वहां से जाके भी चेक कर सकते हैं। आपको ये जो मैंने सॉर्टिंग की है, या अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि यार हमें तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है FIDI को आइडेंटिफाई करने में, तो आपके लिए बड़ा सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ। मैं यहाँ से पिक निकालूंगा और अपने ब्लॉग में सबसे नीचे वाला जो कॉलम है वहां पे जाके पेस्ट कर दूंगा, और आप वहां से चेक कर सकते हैं कि वो मतलब अगर आज कोई जो बल्क डील हुई थी तो हमें कल के लिए कोई बल्क डील मिल रही है ट्रेड करने के लिए, नहीं मिल रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ वो मैंने कहाँ पे पेस्ट किया था, मैं अपना ब्लॉग चेक करा देता हूँ वहां पे मैंने जो पेस्ट किया था, ये मैं चेक करवा देता हूँ कि मैं कहाँ पे पेस्ट करूंगा, अपने किस लिंक में जाके या किस पेज पे जाके वो पेस्ट करूंगा, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये मेरा एक ब्लॉग है, यहाँ पे देखिए इसको मैं व्यू करता हूँ, इसका ये वाला लिंक है, ये जो लिंक है ये मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहाँ पे जब इसको क्लिक करेंगे आप इस लिंक को सेव कर लीजिए अपनी ईमेल में, अपना कहीं भी आप इस लिंक को सेव कर लीजिए। जब भी इस लिंक को आप क्लिक करेंगे ये अपडेटेड मिलेगा आपको, और ये जो मेरा ब्लॉग है इसमें इस पेज में नेट थोड़ा सा स्लो है, आप इसके बिल्कुल नीचे जाएंगे पेज के तो आपको एक एक्सेल शीट की पिक मिलेगी। ये देखिए ये पिक मैंने कल शाम को लगाई थी यहाँ पे, ये वाली पिक मैंने लगाई थी, या ये जो मैंने डाटा कल निकाला था ये वाली पिक मैंने अपने ब्लॉग में लगाई थी यहाँ पे। ये मैंने पिक इसलिए लगाई थी कि सो दैट अगर किसी ने मेरा वीडियो देखा हो 26 तारीख के बाद से और किसी ने खुद आइडेंटिफाई की हो तो वो मैच कर सकता है कि उसकी लिस्ट या उसने जो ट्रेड लिए थे वो इस वाली लिस्ट से मैच होते हैं नहीं होते हैं, अगर नहीं मैच होते तो वो उसने क्या नेम पिक कर लिए थे। ये मैंने आइडेंटिफाई किए, मैं ये वाले जो पिक है इसको डेली अपडेट करूंगा यहाँ पे, और मतलब इसके ऊपर ही अपडेट कर दिया करूंगा, सो दैट अगर देखिए ये जो यहाँ पे डेट आ रही है, यहाँ तो मैंने तो ये 1 27 नवंबर से लेके 29 नवंबर तक का डाटा यहाँ पे दिया है, बट जब मैं कल से इसको देना शुरू करूंगा या आज से, इनफैक्ट आज से जो मैं इसको अपडेट करूंगा तो ये वाली पिक यहाँ से डिलीट कर दूंगा। और यहाँ पे अगर कोई आज की डेट में कुछ बल्क डील निकलेगी, एक या दो ट्रेड अगर कोई निकलते हैं तो मैं वही पिक यहाँ पे लगाऊंगा और यहाँ से आप कल के लिए फिर ट्रेड ले सकते हैं। डिस्क्लेमर दे दूं, मैं सिर्फ यहाँ पे पिक लगाऊंगा, मैं आपको बाय करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो आपके ऊपर है आपने बाय करना नहीं करना है, और इसमें फाइनेंशियल रिस्क तो होता ही है, डिस्क्लेमर होता ही है ये स्टॉक मार्केट का, के जो भी शेयर मार्केट में आता है उसको रिस्क फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको बाय करें या ना करें, मैं सिर्फ ये काम करूँगा कि अगर आपको वो FIDI या जो भी है बल्क डील की रिपोर्ट में से पिक्स निकालनी नहीं आ रही हैं या आपको नहीं आइडेंटिफाई कर रहे कि कौन सा FIDI है, तो मैं आपके लिए यहाँ पे वो डेली अपडेट कर दिया करूँगा। आप इस लिंक में जाएं, अगर यहाँ पे डेट के अकॉर्डिंग कोई आपको मिल जाए पिक, जैसे आज 30 नवंबर है और यहाँ पे मैं 30 नवंबर के हिसाब से अगर कुछ डाला होगा तो इसका मतलब वो 1 दिसंबर के लिए आपके लिए ट्रेड का सिग्नल है, मैं वही डालूंगा जो मेरे लिए FIDI या म्यूचुअल फंड यहाँ पे निकलेंगे, बाकी कुछ भी यहाँ पे नहीं डालूंगा इस वाले पोस्ट में, राइट। तो ये आपको मैंने बता दिया है यहाँ पे, आपको एक एक करके मैंने आइडेंटिफाई करके बता दिया कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दूसरा, मैं डेली बेसिस पे जो मैंने ये निकाले हैं, जैसे ये मान लीजिए
24 में निकले हैं, अगर ऐसे ही 2 मेरे को 30 तारीख में ये ट्रेड निकलते तो मैं यहाँ से ऐसे करके इतना डाटा यहाँ से लेके यहाँ तक का डाटा यहाँ अपने ब्लॉग में पेस्ट कर दूंगा, सो दैट आपको अगले दिन के लिए ट्रेड सिग्नल मिल जाए, राइट। तो अगर उम्मीद करता हूँ कि अब आपको वो समझ में आ गया होगा कि जो मैं आपको बताना चाहता था कि ये FIDI या म्यूचुअल फंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक लॉजिक देना चाहूंगा कि मैं, ये मेरा लॉजिक है कि मैं FIDI या म्यूचुअल फंड को ही देखता हूँ बल्क डील में आगे ट्रेड करने के लिए, बाकी चीजों को मैं छोड़ देता हूँ। मेरा अपना मानना ये है कि अगर कोई मान लीजिए कोई FI है, जैसे ये सिटी ग्रुप है या मेरे लिंच है, इनके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी बड़ी कैपिटल है कि इनके पास इतने सारे रिसोर्सेस हैं वो सारी रिसर्च करने के लिए, टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल करने के लिए, या उस न्यूज़ का भी पता होना जो किसी को ना पता हो जिसमें ये इन्वेस्ट करते हैं, जिस कंपनी में। तो मेरा मानना ये है कि जो स्मॉल ब्रोकिंग फर्म्स या इंडिविजुअल्स होते हैं उनके पास इतने रिसोर्स ही नहीं होते कि, या वो इतनी अच्छी रिसर्च नहीं कर सकते कि हम उनको उनके बेस पे कोई ट्रेड लें। मेरा सिंपल सा रूल है कि फॉलो द बिग फिश, तो ये जो बड़ी मछलियां हैं अगर हम ये किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्होंने कुछ सोच के ही इन्वेस्ट किया होगा। 500 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ अगर ये किसी में लगा रहे हैं तो ये प्रॉफिट के लिए ही लगाते हैं, ना कि लॉस लेने के लिए। तो हम भी अगर इनको फॉलो करके 5 से 10% अगर प्रॉफिट ले पाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, ना तो हमने कुछ रिसर्च कर। बट मैं ये कहता हूँ कि आप अगर ट्रेड लें तो वो अपने विवेक के अनुसार ट्रेड लें, फाइनेंशियल रिस्क को ध्यान में रख के ट्रेड लें, ठीक है दोस्तों। तो ये था जो मैं आपको जितना समझा सकता था कि एक FIDI या म्यूचुअल फंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा अब पता लग गया होगा कि इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। और दोबारा बोल दूं कि ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये उन व्यूवर्स या सब्सक्राइबर्स के लिए है जिन्होंने मेरा ये वाला वीडियो देखा है। ये मैं इस वाले वीडियो की बात कर रहा हूँ, ये जो हाउ टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम स्टॉक मार्केट, अगर आपने ये वीडियो देखा है तभी आपको ये जो मैंने अभी वीडियो बनाया है वो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज वो आपको समझ में नहीं आएगा। जिन्होंने ये वाला वीडियो देखा हुआ है उनको समझ में आएगा, आ जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ। और ये वीडियो भी मैंने उसलिए बनाया है कि बहुत से लोग मेरे से कमेंट में पूछ रहे थे कि वीडियो तो ठीक है, मतलब इन्फॉर्मेशन भी अच्छी दी है, बट ये जो FIDI या म्यूचुअल फंड है इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो एंड करने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट इन्वॉल्व फाइनेंशियल रिस्क, ट्रेड मार्केट में ट्रेड करना या इन्वेस्ट करना जोखिम भरा हो सकता है, तो इस बात को आप ध्यान में रखें। उम्मीद है कि आपको अब थोड़ा सा पता लग गया होगा कि मैं जो हूँ ये FIDI या म्यूचुअल फंड को कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ, और आप भी इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और अगर नहीं कर पाएंगे तो मैंने जो आपको ब्लॉग का लिंक दिया है आप उसको फॉलो करें, और वहाँ से फिर आप देखें कि जो मैंने वहाँ पे पिक्स निकाली है आप भी वैसे कैसे निकाल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।